जी जितने भोले भाले आप दिखते हैं फिल्मों में और यहां भी जितने मासूम बने हुए हैं उतने मासूम आप हैं नहीं <laughs> आपके गांव वालों ने बताया कि बचपन से ही शरारती थे जेब में सांप रख के ले जाते थे लोगों को डराते थे सांप की रस्सी बना के घुमाते थे सच है मुझे सच स्वीकारना है ना हाँ हाँ सच है और सच इस कारण से है कि गांव में उतने खिलौने थे नहीं टीवी रेडियो था नहीं तो हम सांप बिच्छू से ही खेलेंगे ना तो, मैं 76 सिक्स बॉर्न हूँ तो 10 साल में 86 मेरे गांव में बिजली आई है 15 या 16 में नहीं दस नौ साल हो गए तो बचपन में ना सर कुछ खेलने के चाँद तारे थे तितलियाँ थी सांप थे बिच्छू थे गली मोहल्ले के कुत्ते थे इन्हीं के साथ खेलते थे तो साइकिल पे सांप लपेट के ले आते थे अरे वो एक बार दुर्घटना गलती से हो गई थी <laughs> वो, वो लाया नहीं था तो फिर कोई दुर्घटना गलती से हो जाए तो गांव में आके उसको बढ़ा चढ़ा के बोल दो कि मैंने बहादुरी का काम किया है पेड़ से गिर गए और चोट लग गई तो बोले कि कूदे थे हम <laughs> दरअसल गिर गए थे तो बचपना में ये सब कर लेते थे और साइकिल के कर्तव्य भी बहुत दिखाते थे आप हाँ हाँ वो साइकिल का कर्तव्य दिखाता था क्योंकि एक लड़का था वो भी साइकिल का कर्तव्य दिखाता था ना तो वो लड़कियों में पॉपुलर था <laughs> <laughs> तो, तो, स्कूल में ये नए सतवी आठवीं क्लास में तो एक स्लो साइकिल का रेस होता है ना कि कौन कितना स्लो चलाएगा तो जो स्लो साइकिल रेस का विनर था ना वो वो बड़ा पॉपुलर था तो हम भी सीखने लगे थे कि अगले साल मैं विनर बनूंगा और मैं पॉपुलर बनूंगा मैं हार गया नहीं बन पाया था इतना शरारती बचपन है कि एक बार आपने कीड़े खा लिए नदी में तैरना सीखना था मुझे गांव घर के पीछे नदी है तो एक पानी के ऊपर एक काले रंग की छोटे से कीड़ा बहुत तेज़ पानी के सतह पे तैरता है वो तो गांव के बड़े बड़े शरारती थे जो बड़े भाई भाई लोग वो लोग बोले इसको पानी उठा के पी जाएगा तो तैरना सीख जाएगा क्योंकि ये तैरने सीखने वाला कीड़ा है तो हम उठा के दस बारह पी गए थे कि तैरना सीख जाएंगे वो तो पेट खराब नहीं हुआ यही गनीमत है आप कह रहे शरारत नहीं थी तो ये भी शरारत नहीं थी कि आप अपने जो रूम मेट्स थे जो हॉस्टल मेट्स थे उनको डराते थे भूत प्रेत की आवाज़ निकाल के ये तो सारे इल्जाम मुझे मानने ही पड़ेंगे क्योंकि सच ही हैं हाँ एक मेरा वेचमेट था तो हम नींबू सिंदूर सूई ला के लगा के उसके वो थोड़ा डरता था भूत प्रेत में बहुत तो हम उसको डराने के लिए मैंने काम ये किया है अब मैं आपको एक आपकी बड़ी शरारत बताता हूँ आपका नाम था पंकज तिवारी आपने अपना नाम बदला और साथ साथ अपने पिताजी का नाम भी बदल दिया हाँ ये बड़ी शरारत है इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि पिता को पुत्र का सरनेम मिल जाए हाँ वो दसवीं क्लास में मैं दसवीं का एडमिट कार्ड भर रहा था फॉर्म इम्तहान का तो मुझे तिवारी से ना मेरे गांव में दो त्रिपाठी थे मेरे चाचा अपने त्रिपाठी लिखते थे वैसे दोनों सरनेम एक ही होते हैं तो वो अधिकारी बन गए थे सरकारी जॉब में एक बाबा थे तो वो प्रोफेसर बन गए थे हिंदी के तो मुझे और जितने तिवारी सरनेम थे वो लोग पूजा पाठ कर्मकांड और खेती किसानी करते थे तो मुझे लगा गुरु ये सरनेम का चक्कर है मैं मुझे किसानी और कर्मकांड नहीं करना है तो लास्ट ऑप्शन है कुछ जीवन में नहीं होगा तो फिर ये तो अपना है ही वृत्ति तो मैंने फॉर्म में अपना नाम त्रिपाठी लिखा फिर लगा बाबू का तिवारी लिख दूंगा पंडित बनारस तिवारी मेरे पिताजी हैं तो क्या पता मेरा एडमिट कार्ड रिजेक्ट हो जाए कि सरनेम क्यों है तो मैंने उनका भी सरनेम पंडित बनारस त्रिपाठी कर दिया आपने बड़ा आदमी बनने के चक्कर में नाम बदला लेकिन आपको तो जोशी ने बताया था कि आप एक्टिंग वैक्टिंग कुछ नहीं कर पाएंगे आपका सिनेमा में कुछ नहीं चलेगा आपके पैर में चक्कर है हाँ हस्तरेखा विशेषज्ञ थे तो हाथ देखा मेरे घर में एक शादी थी बड़ी बहन की वो विदाई हो गई तो शादी की विदा होने के बाद घर में थोड़ा सुना माहौल होता है ना बुजुर्ग एक जगह बैठे हैं बच्चे थोड़े दूर खेलते हैं और वो सारी सजावट रहती है लेकिन माहौल में सुनापन होता है तो अचानक उस सुनापन को दूर करने के लिए मैं खेल रहा था तो मुझे बुलाया गया इधर आओ और अय जयकांत वो बी एच से प्रोफेसर थे देखा था हाथ कर वो हाथ देखते हैं तो देख के उसमें कहा गया कि विदेश यात्रा लिखा हुआ है इसके हाथ में तो नेपाल हमारे घर से 40 किलोमीटर दूर है तो सबने कहा कि कहाँ जाएगा विदेश नेपाल जाएगा ये तो वो बोले नहीं नेपाल तो हम लोग हस्तरेखा में विदेश की कैटेगरी में नहीं आता है क्योंकि ना वीज़ा न पासपोर्ट आप चले जाओ नेपाल या आ जाओ बोले ये बाहर है तो ये बातचीत चलने लगी कि ये करेगा क्या कि, आ, कि इतना विदेश यात्रा इसके हाथ में है तो मुझे सर एयर इंडिया का मेंटेनेंस स्टाफ बनाए वो लोग इस निर्णय पे आए कि एयर इंडिया में मेंटेनेंस स्टाफ की नौकरी करेगा पायलट क्रू मेंबर नहीं बनाएगा मैं बोला यार कल्पना में भी मुझे कुछ बेहतर पोजिशनिंग दे दो तो और उसमें था कि तुम्हारा एक्टिंग वैक्टिंग में कुछ नहीं होगा बाद में वो इलेक्ट्रॉनिक्स में हो सकता है टीवी के, दुकान का सेल्समैन बन जाएगा तो एक्टर का स्क्रीन पे आएगा इसकी संभावना मेरी लाइफ में कभी भी नहीं थी तो एक्टिंग का जो सिलसिला है कहा से शुरू हुआ भीतर से <laughs> मौका कहाँ मिला <laughs> पटना में आ, आ, मैं भी विद्यार्थी परिषद के एक आंदोलन से आ, दो दिन गिरफ्तार होकर लौटा था तो वही साथी दोस्त थे बोले रे रहे नाटक उधर है कुछ चलो देखने तो मैं देखने गया और देख के बड़ा अच्छा लगा फिर मैं क्योंकि उस गिरफ्तारी में हमारी अच्छी खासी पिटाई भी हुई थी पुलिस से तो तो लगने लगा था कि नेतागिरी बड़ा मुश्किल काम है यार हाँ कि लाठी चार्ज भी होते रहता है तो मैं नाटक देखने लगा था और देखते देखते मुझे बहुत प्रभाव हुआ नाटकों का मैं एक आध नाटक, नाटक में रोया भी देख के परफॉर्मेंस कुछ एक्टर का तो पटना में अब एक वो साइकिल स्टैंड था कालिदास रंगालय के बाहर तो उसके जो इंचार्ज थे सुनील जी तो मैंने उनसे बोला कि मैं रोज जाता था नाटक देखने रेगुलर कि मैं करना चाहता हूँ तो बोले ठीक है मैं मिलवा दूंगा तो उन्होंने एक ग्रुप से मुझे मिलवाया पटना में कि एक लड़का है बड़ा अच्छा दर्शक है रोज़ आता था मैं नाटक देखने जब जब नाटक हो हर दूसरे तीसरे दिन तो साइकिल स्टैंड वाले ने मेरी एक रुपया फ़ी था सर साइकिल स्टैंड का वो भी माफ़ कर दिया कि तुम बहुत अच्छी ऑडियंस हो रोज आते हो तुम मत दो पैसा साइकिल लगाओ नाटक देखो तो उन्होंने मौका दिलाए थे लेकिन आप पटना गए तो थे मेडिकल की पढ़ाई करने पिताजी ने कहा था ना कि डॉक्टर बनना है मुझे लग गया था कि मुझसे नहीं होगा <laughs> और डॉक्टर में भी डॉक्टर में भी टर लगता है एक्टर में भी टर लगता है तो बात टर टर हो गई डॉक्टर नहीं बना एक्टर बना होटल में भी आपने काम किया होटल में मैं रसोई में था पहले तो ट्रेनी था छः सात महीने अलग अलग डिपार्टमेंट में कॉन्टिनेंटल में चाइनीज में पेंट्री आ, बेकरी में ज्यादा था और उसके बाद मेरा स्विफ्ट था उसको रियलाइज़ हुआ कि इसको सुपरवाइज़र बना दो ये आदमियों को अच्छा मैनेज करता है और इंटरटेन करता है तो एक साल किचन सुपरवाइजर था आपने वहाँ भी शरारत की मनोज वाजपेई के जूते चुरा लिए <laughs> वो तो गुरु भक्ति में उठाए थे कि आप चाहते हैं ना गुरु की निशानी कुछ रह जाए तो गुरु जी होटल चेकआउट करके चले गए थे और उनका एक रबड़ का स्लीपर छूट गया था तो हाउस कीपिंग वाले ने मुझे बताया मैं मैंने उनके रूम में सर्विस करने गया था पैर वैर छुआ और बोला आपको कोई दिक्कत हो जो खाना चाहिए मुझे बताइएगा तो मैं बोला जो चप्पल उनका छूट गया हाउस कीपिंग में वो मुझे दे दो मैं कम से कम गुरु के खड़ाऊ में पैर डालने का प्रैक्टिस तो करूँ तो मैं ले कर आया था वो बोला कि अगर कहीं क्लेम कर दे तो, तो मैं बोला नया ब्रांड ख़रीद के उनको कुरियर करवा देंगे यही चप्पल का तो वो ना उन्होंने क्लेम किया उन्हें तो पता भी नहीं था और उस चप्पल ने मेरी तकदीर बदल दी वाकई में बहुत बड़ी सफलता है बहुत बड़ी बुलंदियों पर आप पहुंचे और हमारी दुआ है और बुलंद हो आप जनता में से जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं सर आजकल गूगल सर्च करो तो ये पता चलता है कि आप एक फिल्म का चार करोड़ साइन करते हैं लाइक लेते हैं वो आपके इनकम पूछ रही है तो क्या ये सच बात है सर सच नहीं है ज्यादा लेते हैं सर मेरा सवाल ये है कि आपके पास कितनी और कौन कौन सी गाड़ियां है बी एमडब्ल्यू जैगवार मर्सिडीज ऑडी, ये मैं, मैं बताऊं, <laughs> ये सारी तो होगी क्यों जानना सर्थ? चाहते हो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ <laughs> नहीं मतलब सर अच्छा लगेगा कि आप बता दो थोड़ा सा कि मेरे पास दो ऑटो हैं <laughs> दो स्कूटर है और आप सुनिए आपको कहानी बता देता हूँ मेरे पास लग्जरी गाड़ी भी है पर मैं कभी उसका फ़ोटो पोस्ट नहीं डालता नहीं बताता हूँ वो भी इसलिए मुझे लेनी पड़ी थी क्योंकि मैं जब फिल्में करता था और ब्रांड फिल्में करता था मैं जब अपनी छोटी गाड़ी में जाता था तो सामने वालों को लगता था यार छोटे एक्टर को कास्ट कर लिया है ये तो साधारण गाड़ी में आता है तो उस भ्रम को दूर करने के लिए लग्ज़री गाड़ी लेनी पड़ी बाकी मुझे बहुत महंगी चीज़ें पसंद नहीं है आप ये देखिए खादी कॉटन का कपड़ा पहना हो